सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और अग्निशमन सेवा कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारी पिछले काफी दिनों से हड़ताल पर है। ऐलनाबाद नगरपालिका के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाते हुए अपनी मांगे पूरे करने की अपील की। कर्मचारियों ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और समान काम समान वेतन जैसी जायज मांगों को लेकर वे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि सरकार ने शीघ्र ही उनकी मांगों को नहीं माना तो उनका आंदोलन अनिश्चितकालीन हो जाएगा। हमारा मांगों के विचार हड़ताल में बैठे हैं। सरकार जो समझौता करेगी उस पर हम अमल करेंगे। जो हमारे नेता बैठे हैं वो क्या फैसला देंगे क्या लेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल पर हम बैठे रहेंगे। भाई कर्मचारी, हमारे पहले कई आंदोलन चलते रहे, हमारा कोई समझौता नहीं है, इसलिए हमने दोबारा हड़ताल शुरू की है। और अगर हमारी अभी कोई समझौता नहीं था, हमें ये हड़ताल अनिश्चितकाल में बदल देंगे। और हमें कई 7-8 साल हो गए लगे, अभी सरकार ने कोई तनख्वाह को बढ़ाने का कोई कुछ नहीं किया है। और हमारी यही मांग है कि हमें समान काम समान वेतन दिया जाए और रहते समय में हमें पक्का किया जाए। हरियाणा प्रदेश के 30,000 कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित अग्निशमन एवं नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। प्रदेश की सरकार के साथ 2 बार लिखित में समझौते हुए थे, एक तो 24 मई को एक 26 जून को। इसमें ये था कि जितने प्रदेश के अंदर कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं उस कच्चे कर्मचारी की पॉलिसी को समाप्त करके उन कच्चे कर्मचारियों को विभाग के पेरोल पर रखा जाए, और जो कच्चे लग रहे हैं 15-20 सालों से उन कर्मचारियों की सर्विस को देखते हुए प्रदेश की सरकार अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन कर्मचारियों को पक्का करे। जो कि प्रदेश की सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो घोषणा पत्र था उसके अंदर ये तमाम बातें लिखी थी। इन बातों को देखते हुए प्रदेश की सरकार के सामने सर्व कर्मचारी संघ ने और अग्निशमन और कर्मचारी नगरपालिका संघ ने लगातार मांग रखी है और बड़े बड़े आंदोलन भी किए हैं। पीछे भी आंदोलन चला है, अब भी लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन इतना लंबा आंदोलन चलने के बावजूद भी प्रदेश की सरकार टस से मस नहीं हुई। इस बात को लेकर प्रदेश के कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है। प्रदेश की सरकार से हम मांग करते हैं कि समय रहते इन कर्मचारियों की तमाम मांगों का जो समझौता हुआ था उसका निश्चित तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए, ताकि प्रदेश की जो सफाई व्यवस्था है उसको देखते हुए, प्रदेश की जनता की तरफ देखते हुए और अपने घोषणा पत्र को देखते हुए अपने वायदों को निभाए प्रदेश की सरकार। अगर इस प्रकार की प्रदेश की सरकार मनसा नहीं रखती है कर्मचारियों की साथ अधर्मिता और अलोकतांत्रिक तरीके से, या जिस प्रकार से ऐस्मा जैसे काले कानून प्रदेश की सरकार कर्मचारियों पे लागू कर रही है, तो इससे प्रदेश के अंदर जो आंदोलन है वो दबेगा नहीं, इससे ज़्यादा और मजबूत होगा। सर्व कर्मचारी संघ निश्चित तौर पे प्रदेश की सरकार को कहना चाहता है कि समय रहते इन कर्मचारियों की मांगों का नोटिफिकेशन जारी करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो सर्व कर्मचारी संघ ने निश्चित तौर पे फैसला किया है भी अन्य विभागों के तमाम कर्मचारी, लगभग 4.25 लाख हरियाणा प्रदेश के तमाम कर्मचारियों का सर्व कर्मचारी संघ नेतृत्व करता है प्रदेश में, तो 4.25 लाख कर्मचारी इन सफाई कर्मचारियों की और अग्निशमन में लग रहे कर्मचारियों की मांगों को लेकर सड़कों पे उतरेंगे। और काले कानून जो ऐसा जैसे उसकी हम कठोर निंदा करते हैं, सरकार ऐसे कानून प्रदेश में कर्मचारियों के ऊपर ना लागू करे, ये प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं। हम आशा उम्मीद करते हैं प्रदेश की कट्टर सरकार से इन समस्याओं का नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से जारी कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन में बदल दिया। अभी हमारी प्रदेश सरकार के साथ राज्य कमेटी की बैठक चल रही है, वार्ता होने के बाद जो भी फैसला आएगा उसके बाद हड़ताल अगर सफल रहती है हमारी, उसके बाद में टेबल पे जो भी बातचीत होगी उसके अनुसार सफल वार्ता होने के बाद इस हड़ताल को वापस ले लिया जाएगा। अगर वार्ता टेबल पे नहीं होती है और अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं आता है, कर्मचारी असंतुष्ट दिखाई दिया, तो हो सकता है इस हड़ताल को आगे अनिश्चितकाल में बदल दिया जाएगा।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल डी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा दें ताकि हमारा अगला वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच सके। तब तक देखते रहिए यूट्यूब चैनल डी।